जी टीवी के नए शो एक कुड़ी पंजाब दी के स्टार अविनेश रेखी अपनी को स्टार तनिषा मेहता के साथ आज चंडीगढ़ में पहुंचे। आपको बता दें कि यह है शो एक कुड़ी पंजाब दी जी टीवी पर 21 नवंबर से आना शुरू हो गया है। ऐसे में शो के स्टार कास्ट ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो के बारे में बहुत सी बातें बताई और साथ ही किरदार के बारे में भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने प्रेस वार्ता में बात करते हुए अपने पंजाब टूर के बारे में भी बताया और साथ ही बताया कि उन्होंने शो के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। इस प्रेस वार्ता में अविनेश रेखी ने बताया कि उन्हें चंडीगढ़ आना बहुत पसंद है और यहाँ पर सुखना लेक पर जाना और छोले कुलचे खाना बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ शो के किरदार हीर कौर विर्क उर्फ तनिषा मेहता ने भी बताया कि उन्हें मुंबई से ज़्यादा चंडीगढ़ का मौसम ज़्यादा अच्छा लगा। अपनी चंडीगढ़ यात्रा के दौरान उन्होंने गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा जाकर माथा भी टेका और वहाँ सेवा में भी हिस्सा लिया। अविनेश और तनिषा दोनों ने ही लंगर में भक्तों को प्रसाद भी परोसा। छोटी सी झलक दिखाना चाहती हूँ, मेरे शो के हीर रांझा दोनों हैं यहाँ पे मौजूद, जो आपसे ऑलरेडी 21 नवंबर से जी टीवी पे आना शुरू हो गया है मंडे टू संडे 7 बजे। और एक कुड़ी पंजाबी ऑब्वियसली जेडी फिल्में होती हैं मोस्टली रीजनल होती हैं, सॉरी फिल्में जो होती हैं वो मोस्टली रीजनल होती हैं, तो उनकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। बट यहाँ पर ये जो हमारा शो है ये पैन इंडिया है, तो हम अपने कल्चर जो पंजाब के कल्चर है और जो कि पहले लोगों को पता है, बट कुछ बहुत सारे ऐसे यू नो कल्चर्स हैं जिनको पंजाब के कल्चर की उतनी नॉलेज नहीं है, उतना नहीं पता है, तो हम उनके लिए भी ये वाला शो लेकर आए हैं कि उन्हें भी पंजाब के कल्चर के बारे में पता लगे, हर इंसान को पंजाब के कल्चर के बारे में पता लगे। और इसमें रूरल अर्बन दोनों पंजाब दिखाए हैं हमने, दोनों के डिफरेंसेस दिखाए हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे उनकी आपस में इंटरेक्शन है, इसका भी खुलासा इसी शो में हम करेंगे। और बहुत सारे अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, तो आई थिंक पैन इंडिया के लिए ये एक बहुत ही अच्छी एक चीज़ है जो हम दिखाना चाहते हैं पंजाब के कल्चर के बारे में। When I jumped into this Punjabi proper chutney character, I enjoyed it a lot क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मतलब it's a very strong character, तो ऐसा character play करने का मौका नहीं मिलेगा and I want to play the strong character. तो छोटी सी दानी के सरबजीत ने कुछ help करी पंजाबी looks देने में? Of course. क्योंकि he has been playing handsome sir for quite a while now. इन्होंने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करी है पंजाबी बोलने में एंड वो एक बॉडी लैंग्वेज जो एक चटनी की होनी चाहिए उसमें भी काफी हेल्प किया उन्होंने। पंजाबी के कुछ वर्ड्स आते हैं अदर देन द बैड? नहीं कुछ लोग कहते हैं बैड, तो मैंने अभी तक सीखा नहीं है बट सिखाना मुझे। बेसिकली अभी सीरियल में थोड़ा बहुत बोला है मतलब सत श्रीकाल सारू, फिर मैं बोलूँगी बाबा जी सबका भला करे, फिर मैनु माफ करी, हाय रब्बा तो मैं बोलती रहती हूँ, तो ऐसे छोटी छोटी वर्ड्स मैंने बोले हैं। आई कम फ्रॉम मुंबई, the airport I asked like you gave perfect audition like ekdam proper sadarni lagti ho kehti, I am not sadarni, I am aap. Of course, I would love to do Punjabi films. अभी फिलहाल तो एक कुड़ी पंजाबी अभी लॉन्च हुआ है, तो माय एंटायर फोकस इज ऑन द हिट, और ये हिट हो जाने के बाद तो पंजाबी फिल्म्स आई एम श्योर मिल ही जाएगी। आपका मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी को, आपका सीरियल द थीम इज वुमेन एंपावरमेंट एंड ऑब्वियसली यू नो द वुमेन शुड बी एंपावर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल because they play a very important and a major role in the society, and you know there are so many aspects in the past like where women were being you know like they were put down, so they should be courageous, they should be strong, and specifically in this show also we are showing that the woman itself and herself is very very strong. Means Ranja is there to support her, but Ranja is not the front, she is the front and Ranja is like a backbone that in case if she needs any physical you know support from Ranja in any aspect that he's always there, but otherwise like he is mentally very strong, she's a lawyer, an aspiring lawyer. So a woman should be courageous, like no whatsoever situation arises,
which obviously does in a person's life. So she should not be scared. She should always be courageous and always ready to go and face the challenge. Yeah. He was a very urban guy. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਹੈ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਸੋ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਬਨ ਯੂ ਨੋ ਯੂਥ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਂਟਰਾਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਯੂ ਨੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो हमने शूट किया यहाँ पे तो तभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था एंड अब आज ही हम आए हैं तो ठंडी ठंडी हवा लगी है तो मुंबई के कंपेयर में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है कंपैरिजन में अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है तो अविनेश आपने जट बताया हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप एक जट सिख और वो भी रूरल एरिया का तो आपकी सारी जो स्टडीज है मेट्रोपॉलिटन में है सारा कुछ ही आपका यहाँ का नाभे में तो मेरे जो नानके हैं वो नाभे के हैं ठीक है तो बचपन से मैं वहाँ पर तो बहुत जाता था बट स्टिल यू नो एक कैरेक्टर में आना उसकी पर्सनालिटी को अडेप्ट करना वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है उसमें चैलेंजेस वही थे कि जैसे जो पिंड में लोग ट्रैक्टर चलाते हैं यू नो अपना किस हिसाब से रहते हैं और फिर चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली शूट के दौरान और यही मेरे चैलेंजेस थे मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा शूट पे मैंने साग बनाना सीखा मैंने चूल्हा जलाना सीखा कैसे लकड़ियाँ डालकर प्रॉपर देसी चूल्हा जलाते हैं और कैसे उस पर यू नो वो रख के क्या नाम है अंगीठी रख के प्रॉपर और उसको जलाते हैं और उस पर खाना बनाते हैं तो ये सारी चीज़ों का चैलेंज था विच वॉज़ वेरी different and very exciting also ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਛਲੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਸ਼ੋਅ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਬਿਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਓ ਦੇ ਓਵਰਪਾਵਰ ਦ ਯੂ ਨੋ ਦ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਹੂ ਹੈਵ ਲੈਂਡ ਬਟ ਨੋਟ ਇਨ ਅ ਯੂ ਨੋ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੋ वो वाली सारी चीज़ें भी हमने इसमें दिखाई हैं। तो आपके विलेजेस हैं कोई विलेज है जिसपे आपने कभी सर्व किया हो अपना गुजरात का या इसमें आपको हेल्प मिली हो पंजाब का किया पंजाब के सी सौ मतलब खेत तो हमने शूट किया था मतलब पहली बार मैं यहाँ पे वी केम फॉर शूट तभी मैंने पहली बार एक खेत को प्रॉपर देखा हुआ है प्रॉपर मैं खेत पे चली हूँ भागी हूँ फिर बाइक चलाई हूँ सो या अच्छा आपके जो नाम है ना पहले से जो आपके चलते आ रहे हैं ना जो पिछले सीरियल में बहुत हिट रहे हैं आप भी तनिषा और आप भी अविनेश तो आपका नाम तो सारे हमारे जितने पहले इंटरव्यूज हैं ना सब सरबजीत ही बोलते हैं कि अविनेश तो किसी ने नहीं लिखा होगा वो कह रहे सरबजीत से मिलवा दो तो अभी जब बाहर निकलते हो तो कोई ऐसा होता है कि भी अब जो इसका नाम है अब ये आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ना जो इसका नाम आएगा आपका जो रियल नेम जिसको कहते हैं स्क्रीन नेम जिसको ऑफ कोर्स हर बंदा ऑब्वियसली एज एन एक्टर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब ऑब्वियसली जब मेरा एक शो ख़त्म होता है और एक कैरेक्टर ख़त्म होता है तो दो वो कैरेक्टर भी मेरे लिए बहुत प्यारा है बट आपको फिर भी उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ता और एक नए कैरेक्टर से प्यार करना शुरू करना पड़ता है और मैं ऑब्वियसली यही एक यू नो एक्सपेक्टेशंस भी होती है ऑडियंस से कि वो नए कैरेक्टर को पसंद करें और पुराने को भूल के नए के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो वही स्टीरियोटाइप भी ब्रेक करना एक चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए अनीशा लोगों को बता दो कब आना है कब देखना है सीरियल कब आना है ऑन एयर हो चुका है सीरियल 21 नवंबर को ही ऑन एयर हो गया तो प्लीज देखिए हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर थैंक यू सो मच थैंक यू बड़ी पंजाब ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें